वेव फंक्शन जो मैंने आपको ये बनाया, ये कैसे बनाया इसको इमेजिन करना। इसको ऐसे इमेजिन करना है कि सपोज करो आपके पास ना वही एक स्ट्रिंग है, रस्सी है, टाइट रस्सी है, और ये पहला पार्टिकल है। कोई स्टूडेंट आया, वो कहता जी पहला पार्टिकल है। मैंने कहा हाँ ठीक है। कहता जी आप ऊपर नीचे मूव करोगे? मैंने कहा बिल्कुल करूंगा। कहता SHM में करोगे? मैंने कहा SHM में कर देंगे। तो अगर आप इसको ऊपर नीचे करोगे और मैक्सिमम एम्पलीट्यूड ए है ना इस पार्टिकल के लिए, तो इसकी वाई की वैल्यू किसी भी इंस्टेंट पर क्या होगी? तो मैंने कहा एक काम कर, तो इसको ये पीरियोडिक मोशन है, तो इमेजिन कर कि ये सर्कुलर मोशन के साथ कंपेयर करे से तेरे पास इक्वेशन पता है क्या आएगी, y इज a sin ओमेगा t। भाई वो SHM में है तो SHM की इक्वेशन लिख दो ना। कोई भी बॉडी अगर मीन पोजीशन से स्टार्ट हो रही है SHM में, तो मीन पोजीशन पे y की वैल्यू क्या होगी? a sin ओमेगा t, बात खत्म हो जाती है। हाँ, तो मैंने कहा, उसने कहा देखा आपने मुझे y की वैल्यू बता दी, ये तो मुझे समझ में आ गई, पर मुझे ये नहीं समझ में आया कि आपने इस पार्टिकल की इक्वेशन ये सेम क्यों नहीं लिखी, क्योंकि ये भी तो यही बिहेवियर शो कर रहा है जो पहला पार्टिकल कर रहा है, कॉपी तो उसी की चल रही है। मैंने कहा देख इकट्ठे नहीं कर रहे, अगर ये दोनों इकट्ठे एट अ टाइम ऐसा कर रहे होते तो इसकी इक्वेशन में यही लिखता कि जब तो टाइम को जीरो पुट करता तो दोनों वाई जीरो आ जाते, दोनों एक ही पॉइंट पर। ऐसा है नहीं, पहला पार्टिकल पता नहीं कहां पे होगा और ये पी पार्टिकल पता नहीं कहां होगा, दोनों के अंदर वाई में डिफरेंस तो है किसी भी इंस्टेंट पर, राइट? और सिर्फ पी पार्टिकल नहीं ना, मेरे को तो क्यू आर एस टी जितने और पार्टिकल हैं उनकी एक जनरलाइज इक्वेशन लिखनी है, तो मुझे नहीं पता वो एग्जैक्टली कहां पे होंगे किसी भी टाइम पे। पर हाँ एक बात पक्की है, सारे पार्टिकल एक पॉइंट पे तो होंगे नहीं, तो इसका मतलब मैं ये इक्वेशन इसके लिए लिख नहीं सकता, राइट? यहां तक क्लियर है? तो आप इमेजिन करें एक मिनट के लिए कि ये स्टूडेंट्स नहीं है, ये रस्सी है और ये पहला पार्टिकल है। अब मैंने इसको उठा के ऊपर नीचे नीचे ऊपर किया तो एक वेपर जनरेट हो गई। सबसे पहले इस रस्सी में पहला पार्टिकल कौन है? ये सबसे पहले मूवमेंट इसकी स्टार्ट हुई और मतलब आखिरी स्टूडेंट वो पी पार्टिकल है जहां तक वेव को पहुंचना है। अब सोचो स्टार्ट हुई, वेव पहुंच रही है और पहुंचने में टाइम लगा रही है, वहां पर समय लगाएगी। जब तक वेव वहां तक पहुंचेगी नहीं तब तक उसकी मोशन स्टार्ट ही नहीं होगी, वो तो बैठी है, वो तो आराम से पार्टिकल बैठा है। अब मान लो जब उसकी बारी आई मूव करने की तो वो भी तो सेम बिहेवियर शो करेगी साइन साइन का, अपने मीन से स्टार्ट हुई ऊपर नीचे नीचे ऊपर बात खत्म। तो एक बात तो पक्की है कि इस पी पार्ट अगर फर्स्ट पार्टिकल की इक्वेशन आपने क्या लिखी, ए साइन ओमेगा टी, तो ये वाले पार्टिकल की इक्वेशन भी ए साइन ऑफ समथिंग तो होने ही वाली है, मीन से स्टार्ट हुई। अब पॉइंट ये है कि p पार्टिकल की इक्वेशन लिखूं कि q की लिखूं कि s की लिखूं, तो x तो बीच में आना ही चाहिए, x तो बीच में आएगा ही तभी बात बनेगी। अब ये जो ओमेगा t बीच में कैसे आ रहा है, ये चीजें एंगल कैसे लिखूंगा, उसको समझने के लिए एक पॉइंट को समझे, ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अगर मैं ये बोलता हूं कि आपके पास एक वेव है, एक वेव ने जब ये वेव पल्स यहां से यहां आया तो डिस्टेंस कवर्ड कितना है, लैम्डा, इसको बोलते हैं वेवलेंथ ऑफ अ वेव। एक वेव पल्स में कितनी दूरी कवर कर लेती है वेव, लैम्डा। जब ये वेव बनी और आप जिसने वेव को जनरेट किया ऊपर नीचे नीचे ऊपर करके उसको सर्कुलर मोशन में अगर कंपेयर करें तो उसने एक वेव बनने में एंगल सेंटर पे कितना कवर किया होगा, 2π। पीरियोडिक मोशन कंप्लीट हो गई ना, जब एक वेव पल्स बन गई तो मेरा हाथ ऊपर नीचे नीचे ऊपर हो गया तो फेज कवर कितना हुआ सर्कल के सेंटर पे, 2π। तो लैम्डा का मतलब फेस कवर कितना है, 2π। कई लोग वेव को सर्कल के साथ कंपेयर नहीं कर पाते, पर कोई बात नहीं ना करें, मैथ लगा लें। मैथ क्या कहता है, मैथ ये कहता है कि ये एंगल 0, ये एंगल 90 डिग्री, ये 180, 270 और 360, तो एंगल कवर कितना है, 2π। एंगल को फिजिक्स में एंगल नहीं बोलते, वेव का उसको फेज बोलते हैं। तो आज के बाद अगर मैं ये बोलूं, आज के बाद अगर मैं ये बोलूं कि वेव, एक वेव जनरेट हो गई, एक वेव ने लंबाई कितनी कवर की, लैम्डा, इसको पाथ बोलते हैं, पाथ कितना कवर किया, लैम्डा, तो फेज कितना कवर किया, 2π radians। तो ये है पाथ और ये है आपका फेज, तो पाथ लैम्डा फेज 2π। कैसे भी कंपेयर कर लो, चाहे मैथ से ले लो, चाहे इसको इमेजिन कर लो कि जिसने जनरेट किया होगा उसने कंपेयर किया होगा विद यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। अब इमेजिन करो, सपोज ये आपके एक वेव पल्स है और ये पहला पार्टिकल है, पहला पार्टिकल ऊपर नीचे नीचे और ऊपर गया और उसकी इक्वेशन क्या थी, y इज इक्वल टू ए साइन ऑफ
ओमेगा टी, ये तो हमें पता ही है पहला पार्टिकल की तो ये पोजीशन हो ही होगी, और इस पहले पार्टिकल में एक्स नहीं आएगा, पहले पार्टिकल का एक्स क्या होगा, जीरो, ओरिजिन है, एक्स तो आएगा ही नहीं, उसका सिर्फ वाई होगा। लेकिन जो पार्टिकल पी है, जिसको जिसके अंदर वे पल्स जाएगी और ये ऊपर मोशन स्टार्ट करेगा, ये जब इसकी जैसी मोशन स्टार्ट होगी, पहले पार्टिकल की मोशन तो ऑलरेडी स्टार्ट हो चुकी है, इमेजिन करो, उसने तो इमेजिन कर लिया, ऊपर नीचे नीचे ऊपर मूव करना शुरू कर दिया था पहले से, और पी पार्टिकल ने अब शुरू करना है। पी पार्टिकल लेट है और पहला पार्टिकल थोड़ा फास्ट है, वो पहले चल पड़ा, सही है। तो इमेजिन करो कि अगर आप दोनों पार्टिकल की मोशन को सर्कुलर से कंपेयर करें, तो पहले पार्टिकल ने किसी भी इंस्टेंट पर एंगल बना लिया होगा ओमेगा टी, वो तो बनाए हुए ओमेगा टी, दूसरे पार्टिकल ने उतना एंगल कवर नहीं किया होगा क्योंकि दूसरे पार्टिकल की मोशन थोड़ी सी लेट स्टार्ट हुई, तो दूसरे पार्टिकल का जो एंगल बनना है वो पहले पार्टिकल से कम बनना है, वो कम बनना है। तो यानी कि जो भी पी पार्टिकल की इक्वेशन बनेगी, रेफरेंस पॉइंट ओरिजिन लेंगे, ओरिजिन वाले पार्टिकल का एंगल कवर कितना है उस टाइम पे, किसी भी टाइम पे ओमेगा टी, इसका ओमेगा टी नहीं होगा, इसका ओमेगा टी से थोड़ा सा कम होगा। कितना कम होगा, अगर मैं कैलकुलेट कर दूं तो इसकी इक्वेशन आ जाएगी, ये पॉइंट क्लियर है। तो कितना कम होगा बताऊं, कितना कम होगा, ये पॉइंट दोनों के बराबर नहीं होंगे, क्लियर है। पहले पार्टिकल ने सर्कल के अंदर एंगल कवर कर लिया ओमेगा टी, तो दूसरे वाले ने अब करना शुरू करना है, तो शुरू करना है तो ओमेगा टी तो कम ही पीछे चलेगा। अब ये बताओ पी पार्टिकल की दूरी ओरिजिन से कितनी है, एक्स, और मैंने आपको रूल बताया कि अगर कोई भी वेव अगर लैम्डा डिस्टेंस कवर कर जाए तो एंगल कवर्ड उसका कितना होता है सर्कल पे, 2 पाई। एक वेव बन जाती है जब लैम्डा, तो सर्कल के अंदर एंगल सेंटर पे कवर कितना कर जाती है, 2 पाई। सेंटर मीन अपने मन में कंपेयर कर रहा हूं पहले पार्टिकल की मोशन तो यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, तो 2 पाई। यूनिटरी मेथड अगर 1 है तो 2 पाई बाय लैम्डा, और अगर यहां से यहां दूरी कितनी है, एक्स है, तब तक एंगल कवर्ड कितना हो चुका होगा, 2 पाई बाय लैम्डा इनटू एक्स है। लेकिन मैंने आपको भी थ्योरी में लिखवाया 2 पाई बाय लैम्डा को क्या लिख सकते हैं, के, तो एंगल का डिफरेंस कितना आ गया, के एक्स, तो यहां पर मैं क्या डाल दूंगा, के एक्स। ये बनी वेव की इक्वेशन, फेजेस में फर्क आ जाता है दोनों के, और अगर एक्स जीरो है तो पार्टिकल नंबर 1 पे आ जाएंगे और पार्टिकल नंबर 1 की सेम इक्वेशन तैयार हो जाएगी। हर पार्टिकल की इक्वेशन फेजेस के हिसाब से तैयार की गई, जस्ट एक आइडिया दे रहा हूं कि ऐसे, ये एग्जाम्पल है कि कैसे मैंने इसको जो है कंपेयर किया फेजेस के साथ और वेव फंक्शन को तैयार किया। हर बुक का, हर ऑथर का डिफरेंट तरीका है, मेरे को ये बढ़िया लगता है तो मैंने ये नोट किया, ठीक। लेकिन आपको ये क्वेश्चन नहीं आएगा वेव फंक्शन कैसे बनेगा, आपको बस वेव की इक्वेशन पे न्यूमेरिकल आएंगे। और एक और चीज भी, जब मैं वेव की इक्वेशन बना रहा था तो मैंने मॉडिफाई भी की थी, मॉडिफाई करते हुए वाई का जो फॉर्मूला आया था वो बीच में ऐसा आ गया था। तो ये देखो, इसमें टी और एक्स वेरिएबल होते हैं, तो कई बुक्स लिखती हैं वाई, वाई इज अ फंक्शन ऑफ टी माइनस एक्स बाई वी, क्यों, क्योंकि वो इसलिए ऐसा लिखती हैं वाई इज अ फंक्शन ऑफ टी माइनस, क्योंकि उसको पता ही नहीं। मान लो एक, एक, एक बुक कहती है कि वाई इज अ फंक्शन ऑफ टी माइनस एक्स बाई वी, अब बच्चा सोचता है कि यार ये मतलब ऐसे सीधी बात क्यों नहीं करता, लगा के दे देना इक्वेशन, बात खत्म करें, क्योंकि इसलिए सीधी बात नहीं करता, उसको पता ही नहीं है कि जिस स्टूडेंट ने वेव को जनरेट करना है उसने आगे कॉस लगाना है या साइन लगाना है, उसको पता ही नहीं है। वो कहता है कि अंदर की बॉडी तो यही रहेगी, एंगल के अंदर ऐसा कुछ आएगा, आगे तुम लगा लो साइन कॉस जो लगाना है, तो इसलिए द फंक्शन ऑफ टी माइनस एक्स बाई वी। जब वेव कहां से कहां जा रही है, लेफ्ट से राइट, और जब राइट से लेफ्ट आ रही है तो वाई इज अ फंक्शन ऑफ लिखेगा टी प्लस एक्स बाई वी, ऐसा कुछ लैंग्वेज यूज करेगा। आपको नहीं करनी, आप पूछेगा नहीं कोई, पर अगर आपने किताब रीड करनी शुरू की, कोई ना कोई बुक तो ऐसी लैंग्वेज यूज करेगा, फिर एटलीस्ट आपको समझ में आएगा कि कुछ नहीं है, बस वो ये बताने की कोशिश कर रहा है कि जो वेव की इक्वेशन बनेगी उसमें कुछ ऐसी टर्म्स आने वाली हैं, इसका मतलब सिर्फ इतना सा है। लेकिन आपको जो क्वेश्चन आना है वो सीधी वेव की इक्वेशन पे ही आना है, जो आज हम डिस्कस करेंगे। यहां तक सबको क्लियर है, ठीक है, ये कैसी लैंग्वेज यूज कर रहा है, फंक्शन ऑफ टी, फंक्शन ऑफ टी, मैथ्स जैसी फीलिंग आ रही है, फंक्शन फंक्शन करते हैं मैथ्स वाले, बहुत करते हैं ना, ठीक है।